भाइयों और दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों से इस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि रायपुर में नहीं था और उससे पहले तो आई एग्ज़ाम ये सब जानते ही हैं, तो काफ़ी दिनों बाद बात कर रहा हूँ। इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूज़िक ना ओला कस्टमर केयर नंबर का ये म्यूज़िक होगा, क्योंकि हमने काफ़ी देर से कॉल लगाया हुआ है इसको। तो ये आप आवाज़ जो सुन रहे हैं ना, ये ओला कस्टमर केयर का वेटिंग ट्यून है, जो कि बहुत लंबा चलता है। 8-8 मिनट तो मैंने देखा है, 8-10 मिनट, 2 मिनट हो चुके हैं कॉल नहीं लग रहा है। तो ये इशू है भाई, इनको फ़ोन नंबर बढ़ाना चाहिए और वेटिंग टाइम कम करना चाहिए। कॉल क्यों लगाया है? कॉल इसलिए लगाया है कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले मेरे पापा गांव गए थे, 70% से सडन ड्रॉप हुआ था बैटरी का, SOC बोलते हैं जिसको, स्टेट ऑफ चार्ज का। 4 दिन से गाड़ी खड़ी थी, 98% दिखा रहा था, और जब वो 25 किलोमीटर गए और वापसी आ रहे थे तो लगभग 40 किलोमीटर चली होगी गाड़ी और 70% से ज़ीरो हो गया। तो ये इशू आया था। तो अभी मैं लॉन्ग ट्रिप करने वाला हूँ जैसा आप लोगों को पता होगा, और अभी फ़िलहाल रायपुर आ गया हूँ। बट यहाँ पे ब्रेक इसलिए लग गया रायपुर में थोड़ा, कि हमने सोचा कि लॉन्ग रूट में बस्तर की ओर जाने से पहले 400-500-600 किलोमीटर दूर जाना और आना, मतलब 1000 किलोमीटर की ट्रिप होगी, तो उससे पहले हम ये जो प्रॉब्लम आई है, तो ठीक है, तो ये भी चलने देते हैं, आपको पता चलेगा कितना वेटिंग रहता है। तो जो सडन ड्रॉप ऑफ चार्ज हुआ था उसके बाद ना यार, दूर जाने में, 100 से ज़्यादा दूर जाने में ना एंजाइटी होती है कि यार 70 से 0 हो गया है तो फिर से ना हो जाए ऐसा, और बीच में इतनी धूप में ढकेलना पड़े गाड़ी को, तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो इसलिए हमने कॉन्टेक्ट किया ओला के जो हमारे टेक्नीशियन थे जिन्होंने मिरर लगाया था उनको, और उनके थ्रू हमारी बात हुई सर्विस वालों से, तो उन्होंने बोला है कि आपकी गाड़ी ले जानी पड़ेगी और RSA भी मंगा देंगे हम। बिलासपुर भी आने के लिए तैयार थे, वो 100-150 किलोमीटर दूर, तो उन्होंने बोला था कि, फिर मैंने बोला कि मैं रायपुर आ रहा हूँ, वहीं पे मैं आपको सर्विस कराने के लिए दे दूँगा वहीं पे। तो उन्होंने बोला कि कुछ अपडेट होगा, मेरे ख्याल से 1.0.16 अपडेट देंगे तो उससे ये इशू चला जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। सडन ड्रॉप का SOC का जो गलत परसेंटेज दिखाता है उसका, फिर मेन स्टैंड लगा लेता, क्योंकि यार कई लॉन्ग ट्रिप में अगर स्टैंड टूट गया, कोई बैठ गया अनजाना आदमी, तो अगर गलती से कई लोगों का, एक दो लोग का टूटा हुआ स्टैंड देख के डर लगता है ना। तो मैंने सोचा मेन स्टैंड लगा देंगे, आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा सर्विस में देते हैं, भले ही कितना टाइम लगे लेकिन अपने को शायद एक स्टेबल सॉफ्टवेयर वर्जन मिल पाएगा, तो देखते हैं। कॉल किया हुआ है, बात हो गई उनसे, सब कुछ फिक्स है, सब कैसे करने बता दिया उन्होंने, बट एक फॉर्मल कंप्लेंट रेज करने के लिए कॉल करना पड़ता है ओला कस्टमर केयर को, जो हमने किया हुआ है, और ये हमेशा की तरह बहुत समय लगा रहे हैं। 6 मिनट हो गया है और अभी तक के किसी ने कॉल हमारा रिसीव नहीं किया है, वेट कर रहे हैं हम, सभी बिजी हैं ऐसा बोल रहे हैं, इतना भी क्या बिजी हैं यार, गाड़ी इतनी तो है नहीं। फॉर्मल कंप्लेंट रेज करने के बाद ही वो प्रोसेस कर पाएंगे, इससे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ऐसा बोला यहाँ की टेक्निकल टीम ने मेरे को। तो मैं बस, अब सब फिक्स है, बस यही कॉल पे बात हो जाएगी, फॉर्मल कंप्लेंट जो भी है हमारे सडन ड्रॉप का वो सब रेज हो जाएगा, उसके बाद शायद वो अपडेट के लिए ले जाएं। उसके बाद 12 घंटे चार्ज करना पड़ता है उनको वहीं पे, तो लगभग 1 से 1.5 दिन, मतलब आज तो पूरा दिन लगेगा, कल दोपहर तक मिलेगा ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये है सीन, वेट कर रहे हैं इनके कॉल उठाने का। तो मेरे को लगा था हमारे बात करते करते ये कॉल उठ जाएगा, बट अभी तक के नहीं हुआ है, पता नहीं और कितना समय लगेगा, तो चलिए वेट करते हैं। ये गलत है यार, इतना वेटिंग नहीं होना चाहिए। बाकी इनका सर्विस, बाकी लोग बहुत ही प्रॉम्प्ट है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं जो टेक्निकल टीम है। कॉल उठ गया क्या? म्यूजिक बंद हो गया। हेलो, भाई आपके एजेंट ही सब बिजी हैं, हम फ्री बैठे हैं क्या? गजब है यार, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग पार्ट है इसका। मुझे लगा था कि हो सकता है अब गाड़ी ले लिए, कस्टमर केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम टेक्नीशियन ओला ब्रांड चैंपियन और वर्कशॉप वालों से बात करके काम करा लेंगे, बट यहाँ तो कॉल करना ही पड़ता है और इनके कस्टमर केयर में कोई आदमी बैठता ही नहीं है ज़्यादा, मतलब कॉल उठाने के लिए लोग ही नहीं है लगता है। देखिए, धूप में घूम घूम के शक्ल जो है काली सी हो गई है, और आपको कल दिखाया था ना धूप पे, सनबर्न भी हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए बीच में, इतनी धूप है हालत ख़राब हो जाएगी अगर गाड़ी को ढकेलना पड़ा। बहुत बोरिंग म्यूज़िक है यार, इससे अच्छा कोई गाना ही सुना देते। कस्टमर केयर लोग का यही इशू है, SBI कार्ड का भी यही होता है, बात नहीं हो पाती है, बहुत सारी जगह यार ऐसा है, कस्टमर केयर का नंबर दे देते हैं, कोई बैठाते नहीं है, 5-6 कॉल आती है, सब बिजी हो जाते हैं, शायद ऐसे ही होता होगा। इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इनको ज़्यादा लोग रखने चाहिए, उससे
लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और फिर बोलेंगे कि आप वीडियो में नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे बोलेंगे भाई जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बताऊँगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताऊँगा, भाई जो होता है वो बताते हैं हम आपको, ताकि ये सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हो। 10 मिनट हो गया मुझे कॉल किए हुए और एक बार और कॉल लगा चुका हूँ मैं 5 मिनट के लिए, तो नीचे से कॉल लगाया था गाड़ी के पास से, मैंने सोचा आज उठा लेंगे, बट नहीं। पहले मेरे को लगता था गाड़ी खरीद लेंगे तो जल्दी कॉल उठाया करेंगे, हमारा नंबर अलग से प्रायोरिटी में चला जाएगा, गाड़ी लेने से पहले तो समय लगता ही था, बट गाड़ी लेने के बाद भी मेरे ख्याल से मोर और लेस वही सीन है, साइलेंट हो जाता है, लगता है कोई उठा लिया है, बट ये तीसरी बार है भाई, उठा लो कोई, अभी तो 11 ही बजा है, अगर रात वात का समय होगा तब तो और दिक्कत होगा। 13 मिनट हो गया, दर दर्द है यार, ये तो चौथी बार ऐसे बोल रहा है। अभी दिन के बजे हैं 11:30, आप देख पा रहे होंगे वहाँ वॉच पे ये। और दोस्तों मुझको जानकारी मिली है कि मेरे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर की रेंज में ओला का वेयर हाउस है, और छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो सर्विस वैन है वो शायद RTO प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसका RTO प्रोसेस, इसलिए घर आके वो वैन नहीं ला सकते, वैन पे सर्विस नहीं कर सकते, इसलिए गाड़ी लेके जाएंगे। 16 मिनट हो गए हैं, कस्टमर केयर इनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, और ये सब आप लोग तो एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे, लेकिन लेने के बाद भी ऐसा है, ये आपको बता रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब ओला लेने पे आपको एकदम फ्री बैठ के रहना पड़ेगा, अगर सर्विस की बात आती है तो ऐसे घंटों वेट करना पड़ सकता है। 17 मिनट हो रहा है, 18, ये 5वीं बार ये बोलने वाला है, ऑल अवर कस्टमर केयर एजेंट्स आर बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, बोलो। ऑल ऑफ आवर एजेंट्स आर बिजी, प्लीज स्टे ऑन द लाइन एंड समवन विल बी विद यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। 5वीं बार बोल चुका है, हद होती है यार, ऐसा कस्टमर केयर बनाने वालों को शर्म भी नहीं आती कि 5 बार तक के वही चीज़ बोले और आदमी वेट करता रहे। ऐसी कंडीशन देख के ना मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि जब कस्टमर केयर का कॉल आता है ना बैंक वालों, या फिर जब हमारे कॉल आता है तो मेरे को लगता है बोलूँ मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, आप लाइन पे रहिए और 1 घंटे बाद बोलूँ कि हाँ आप बताइए, ऐसा मन करता है कई बार करने का, बट ये है कि मैं DND एक्टिवेट करके रखता हूँ तो कम ही कॉल आता है। तो क्या उस समय ये लोग लाइन पर बने रहेंगे जब ये हमको कॉल करते हैं, जो कमर्शियल कॉल बोला जाए या प्रमोशनल कॉल आता है, हम बोलेंगे कृपया रुकिए हम आपको 30 मिनट में बात करते हैं, अभी बिजी हैं तो आप लाइन पे रहिए अदरवाइज बात नहीं होगी, तो क्या ये लाइन पे रहेंगे आपको लगता है? बहुत ही स्ट्रेंज है यार, कस्टमर के को वेट करना पड़ता है, जो प्रमोशनल कॉल आता है उसको तुरंत बात करो, दिक्कत है वही है सर। 23 मिनट 24 मिनट 22 सेकेंड 7वीं बार वही बोलेगा, नो वन इज रिसीविंग अवर कॉल, Why it is not possible to receive call in 25 minutes? Why Ola? Why? जितने लोग ट्विटर चलाने बिठाए उसमें से 5 लोग इधर भी बिठा दो यार। So disappointing, so frustrating, ऐसा होना नहीं चाहिए यार। मैं तो अभी फ्री हूँ, मेरे को ड्यूटी नहीं करनी है अभी 1-1.5 महीने से, उसके बावजूद मुझे इरीटेशन हो गई। मैं ड्यूटी में रहता तो मैं तो कॉल कब का काट चुका होता। आठवीं बार वही डायलॉग चिपकाएंगे, 27 मिनट हो गया, एज सुन एज पॉसिबल इसी को बोलते हैं क्या भाई? 28 मिनट हो रहा है, आधा घंटा हो ही जाएगा लगा। पिछले 32 मिनट से सब काम छोड़ के कॉल लेके बैठा हूँ, कुछ कर ही लेता हूँ, नाखून वाखून काट लेता हूँ। ओला को कॉल करना है ना तो ऊन ऊन लेके बैठो, मतलब स्वेटर बन जाएगा। 35 मिनट हो रहे हैं लगभग, इतने देर कौन अपनी गर्लफ्रेंड को भी बात नहीं करता भाई। हाँ कॉल लगा, हेलो हाँ जी, मैं सांची को कॉलिंग वाला सपोर्ट।